बहुत सारे लोग सुबह के नाश्ते में परांठे के साथ मक्खन खाना पसंद करते हैं, पर जैसे जैसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे अब डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अपनी डाइट में आप डेयरी के कंजम्पशन को कम करें। इसी वजह से आज हम आपके साथ एक ऐसे मक्खन की रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो ना सिर्फ डेयरी फ्री है पर सस्ती भी है। ये मक्खन बनाने के लिए ले रहे हैं हम 1 कप नारियल का तेल, 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल की जगह आप कैनोला ऑयल भी ले सकते हैं, 1 चुटकी हल्दी पाउडर रंग के लिए, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/2 कप सोया मिल्क या उसकी जगह आप बादाम का दूध भी यूज कर सकते हैं, और 1 बड़ा चम्मच सिरके का। सबसे पहले हम दूध में सिरका डाल लेंगे ताकि जो दूध है वो कर्डल हो जाए, यानी कि फट जाए। इस मिक्सचर से आपके मक्खन को बटर जैसा फ्लेवर मिल जाएगा। अब सारे इंग्रेडिएंट्स हम एक एक करके मिक्सी के जार में डालेंगे सिवाय ऑलिव ऑयल के, पर अगर ऑलिव ऑयल की जगह आप कैनोला ऑयल डाल रहे हैं तो वो आप इसके साथ डाल सकते हैं। हम ऑलिव ऑयल बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि उसको जब ज़्यादा देर के लिए ब्लेंड किया जाता है तो वो थोड़ा कड़वा हो सकता है। जब बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स ब्लेंड हो जाएं तो उसमें ऑलिव ऑयल को अब चम्मच की मदद से मिला लीजिए। अब इस मिक्सचर को हम एक खांचे में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे सेट होने के लिए फ्रिज में लगभग 6 से 8 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब ये मक्खन हो गया है तैयार। इसे आप बाजार से खरीदे हुए मक्खन की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बाजार से खरीदे हुए मक्खन की तरह ही मेल्ट भी होता है। तो अगर आप अपनी डाइट से दूध से बनी हुई चीजों को निकालना चाहते हैं तो इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाएं। आपको हमारी और रेसिपीज हमारे नए YouTube चैनल पे मिल जाएगी जो सिर्फ रेसिपीज को ही डेडिकेटेड है। उसका एड्रेस है youtube.com/peoplefarmproducts।